चीन के सरकारी टेलीविजन पर देश के सुदूरवर्ती पश्चिम इलाके में स्थित वोकेशनल एजुकेशन सेंटर की छवि किसी आधुनिक स्कूल की तरह दिखाई जाती है। यहाँ भारी तादाद में छात्र मंदारिनी भाषा का अध्ययन करने के साथ अपने रोजगार कौशल को निखारने में लगे हैं, हालांकि हकीकत इससे बहुत अलग है। कुछ दस्तावेजों पर गौर करने के बाद इन केंद्रों की बेहद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। न्यूज एजेंसी AFP ने अपनी रिपोर्ट में वोकेशनल एजुकेशन सेंटरों की आड़ में उइगर मुसलमानों के यत्नाग्रहों की दास्तां बताई है। इस साल की शुरुआत में शिनजियांग के होटान प्रांत में इन केंद्रों की जिम्मेदारी संभालने वाले एक स्थानीय सरकारी विभाग द्वारा इन केंद्रों के लिए की गई खरीदारी का कम से कम शिक्षा से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जानकर आश्चर्य होगा कि इन खरीदारियों में पुलिस द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली 2768 लाठियां, बिजली के करंट वाले 550 बेत, 1367 जोड़ी हथकड़ियां व पेपर स्प्रे 2792 केन शामिल हैं। शिनजियांग के स्थानीय सरकारों द्वारा इन वोकेशनल एजुकेशन एवं ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण व प्रबंधन से जुड़े सामानों के खरीदार के लिए 2017 की शुरुआत से लेकर अब तक किए गए आवेदनों में इन सामानों की सूचियां भी शामिल हैं। इन केंद्रों पर पूरी दुनिया की नज़र तब गई जब मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इन्हें पॉलिटिकल रीएजुकेशन कैंप करार दिया। इन केंद्रों में कम से कम 10 लाख उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं। सरकार के मुताबिक ये केंद्र मुफ्त शिक्षा और रोजगार प्रशिक्षण के जरिए आतंकवाद के प्रसार को रोकने के लिए खोले गए हैं। हालांकि इन 181 कैदखानों पर 1500 से अधिक स्टेट फाइल्स पर गौर करें तो पता चलता है कि इन केंद्रों को स्कूल के बजाय जेल की तरह चलाया जा रहा है। आंसू गैस, बिजली का झटका देने वाले हथियारों, कांटेदार बेत से लैस हजारों सुरक्षा कर्मी छात्रों पर सख्ती से निगाह रखते हैं। यही नहीं, ये केंद्र चारों ओर से रेजर वायर और इंफ्रारेड कैमरों से घिरे हैं। शिनजियांग के पार्टी सेक्रेटरी चेन क्वांगो का हवाला देते हुए एक दस्तावेज में कहा गया कि जहां छात्रों को स्कूल का माहौल मिलना चाहिए उसे सैन्य किले में तब्दील कर दिया गया है। एक अन्य याचिका में कहा गया है कि एक नया बेहतर चीनी नागरिक बनाने के लिए केंद्रों को सबसे पहले अपने राजनीतिक संबंधों, अपनी जड़ों और अपने मूल से संबंध त्यागना चाहिए। चीन के सरकारी टीवी चैनल CCTV पर छात्रों को मैचिंग यूनिफॉर्म पहने, मदारिन का अध्ययन करते और सिलाई कढ़ाई बुनाई व बैंकिंग का गुर सिखाते दिखाया गया है। इन केंद्रों के संचालन पर लगभग 43.2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इस रकम का कुछ हिस्सा सीधे कम्युनिस्ट पार्टी के विंग इंचार्ज की तरफ से आता है। ब्यूरो रिपोर्ट।